रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम अगेन रिलीज से पहले ही नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को आया था। आने के साथ ही ये YouTube पर तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रेलर बन चुका है। 24 घंटे में इस ट्रेलर को सिर्फ YouTube पर 52 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर ने पिछली कई बड़ी हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए इसे समझते हैं। ट्रेड वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिनट इस लंबे ट्रेलर को YouTube पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 24 घंटे में इसे 52 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की आदि पुरुष के बाद सिंघम अगेन का ट्रेलर 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रेलर बन चुका है। डंकी को 24 घंटे में 58 मिलियन और आदि पुरुष को 52.1 मिलियन व्यूज मिले थे। पैन इंडिया लेवल पर भी ये 9वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है। कॉप यूनिवर्स की इस फिल्म ने पैन इंडिया लेवल की फिल्मों के भी रिकॉर्डों को तोड़ डाला है। इसे आंकड़ों से समझे तो सलार के ट्रेलर को 113.2 मिलियन व्यूज, KGF 2 के ट्रेलर को 106.5 मिलियन व्यूज, आदि पुरुष के ट्रेलर को 74 मिलियन व्यूज, सलार के दूसरे ट्रेलर को 72.2 मिलियन व्यूज, एनिमल के ट्रेलर को 71.4 मिलियन व्यूज, डंकी के ट्रेलर को 58.5 मिलियन व्यूज, राधे श्याम के ट्रेलर को 57.4 मिलियन व्यूज, जवान के ट्रेलर को 55 मिलियन व्यूज, सिंघम अगेन के ट्रेलर को 52 मिलियन व्यूज और RRR के ट्रेलर को 51.1 मिलियन व्यूज मिले हैं। उधर सिंघम अगेन के मेकर्स का दावा है कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यानी YouTube, Facebook, Insta और X सभी में इस ट्रेलर को 24 घंटे में 138 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अजय देवगन की इस पिक्चर का ट्रेलर लोगों को भले ही हल्का लगा हो मगर फिल्म ने अच्छा खासा बस क्रिएट कर दिया है जिसका फायदा फिल्म को मिल सकता है। सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने वो सारे मसाले डालने की कोशिश की है जिससे जनता को थिएटर तक खींचा जा सके। ए लिस्टर एक्टर्स सारे साथ में धूम धड़ाका कर रहे हैं, एक्शन भर भर कर डाला है, इमोशनल एंगल भी है, कॉमेडी भी है। शायद इसी को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इंडियन सिनेमा इतिहास का सबसे लंबा ट्रेलर काटा था जिसकी लंबाई 4 मिनट 58 सेकंड्स की है। सिंघम अगेन के सामने कार्तिक आर्यन और अनीस पज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 होगी। दोनों ही फिल्म दिवाली यानी कि 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। अब 9 अक्टूबर को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आना है यानी कि ये ट्रेलर आ चुका है जिसके रिस्पॉन्स को देखने के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। देखना होगा कि इन दोनों फिल्मों में से जनता किस पिक्चर को पसंद करती है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।